डब्ल्यूबी फैंस के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोमन रिंग्स के 450 दिन से भी ज्यादा अनडिफिटेड स्ट्रीक यानी कि उनके टाइटल रिंग्स को कौन तोड़ेगा। रोमन रिंग्स 450 दिन से भी ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियन बन के रह चुके हैं। उन्होंने बारी बारी सबके साथ मैच किया है, सबको मौका दिया है कि उनके टाइटल रिंग्स को तोड़ सके। जॉन सीना, फिन बैलर, रेटेड आर सुपरस्टार एज, डैनियल बैन, सबको ये मौका मिला कि वो रोमन रिंग्स से टाइटल जीत सके, लेकिन रोमन रिंग्स ने किसी को भी जीतने नहीं दिया और रोमन रिंग्स सबको हराते हुए अभी तक यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। अगर हम बात करेंगे कौन इंसान ऐसा है जो कि रोमन रिंग्स के टाइटल रिंग्स और अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ सकता है, तो वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जो कि अभी रोमन रिंग्स के टाइटल रिंग्स को तोड़ सकता है। अब इसके क्या रीजन है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को हराएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो सब जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें ब्रॉक लेसनर के अंदर जो कि रोमन रिंग्स को हरा सकती है। रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन ज्वेल में हो चुका है और क्राउन ज्वेल में रोमन रिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था। वो अलग बात है कि इस मैच में जे उसोस और जिमी उसोस की वजह से ब्रॉक लेसनर हारे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर तब भी हार गए। लेकिन अब दोबारा रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर का मैच डे वन यानी कि डब्ल्यूबी के नए पेपरव्यू में हो रहा है और इस पेपरव्यू में बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। इसके रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि ये न्यूज काफी बार आ चुकी है कि 2022 तक रोमन रिंग्स का अनडिफिटेड स्ट्रीक और उनका टाइटल रिंग्स खत्म हो जाएगा। 2021 तक कोई भी रोमन रिंग्स को हरा नहीं पाएगा, लेकिन 2022 में रोमन रिंग्स का टाइटल रिंग्स खत्म हो जाएगा। तो अब 2022 में अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का दोबारा मैच हो रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में रोमन रिंग्स हार जाएंगे। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि रोमन रिंग्स काफी लंबे टाइम से 1.5 साल से भी ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में लगातार फाइट करते आ रहे हैं और आप लोग के अगर ध्यान में नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोमन एक खतरनाक बीमारी ल्यूकेमिया के शिकार है और रोमन रिंग्स के लिए कुछ ब्रेक भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब उनके ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है और ये न्यूज भी काफी दिनों से आ रही है कि रोमन रिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाले हैं और ब्रेक लेने के लिए रोमन रिंग्स को अपना टाइटल छोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि डे वन में रोमन रिंग्स अपने टाइटल को हार जाएंगे और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम का ब्रेक लेंगे। रोमन रिंग्स लगातार 1.5 साल से भी ज्यादा फाइट करते आ रहे हैं तो उनके लिए ब्रेक अभी काफी जरूरी है। अब हम बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डे वन में ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को हरा देंगे। तीसरे रीजन का नाम है दोस्तों पॉल हेमन। पॉल हेमन रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर दोनों के लिए काम कर चुके हैं और ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ब्रॉक लेसनर ओरिजिनल में किसके तरफ है, रोमन रिंग्स के या ब्रॉक लेसनर के। सुनने में तो ये आ रहा था दोस्तों कि क्राउन ज्वेल में पॉल हेमन रोमन रिंग्स को धोखा दे देंगे। हम लोगों को लगा कि क्राउन ज्वेल में हमें पता चल जाएगा कि हेमन किसके तरफ है, रोमन रिंग्स के या ब्रॉक लेसनर के, लेकिन क्राउन ज्वेल में भी ये बात क्लियर नहीं हुई। डे वन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि पॉल हेमन आखिरकार किसके साथ है और मुझे लगता है कि पॉल हेमन डे वन में रोमन रिंग्स को धोखा देंगे जिसकी वजह से रोमन रिंग्स अपने यूनिवर्सल टाइटल को हार जाएंगे और ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। पॉल हेमन रोमन रिंग्स को धोखा देंगे ताकि रोमन रिंग्स अपने टाइटल को हार के कुछ टाइम का ब्रेक ले सके। तो यही सब रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स के अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर वो इंसान है जो कि रोमन रिंग्स के अनडिफिटेड स्ट्रीक और उनके टाइटल रिंग्स को तोड़ सके। अगर आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर वो इंसान है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।